बोलो छठी मैया की जय। शुरू करें। शुरू करें। आप सभी साथियों को दुर्गा महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक सवाल लगाया था, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के विषय में, कि हर महीने आपको मालूम होगा चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, हर कर्मचारी, हर एम्प्लॉई, हर अफसर का जीपीएफ कटता है। एक पोर्शन जो है एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, दूसरा पोर्शन एम्प्लॉयर बराबर का जो है उसमें पैसा जमा करता है, और वो जीपीएफ अकाउंट के अंदर वो पैसा जो है सुरक्षित होता है। एक कर्मचारी के लिए रिटायर होते समय सबसे बड़ी उम्मीद इस जीपीएफ के पैसे की होती है कि मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को जीपीएफ का पैसा मिलेगा, मैं बच्चों की शादी करूंगा, मैं अपना मकान बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों के काम धंधे के अंदर इस पैसे को लगा पाऊंगा, या मेरे जितने भी बड़े बड़े काम हैं जीवन के जो मैं नौकरी में रहते हुए नहीं कर पाया अभी तक, उसको मैं रिटायरमेंट के समय जो है इस पैसे से जो है पूरा कर पाऊंगा। और ये पैसा बहुत अमूल्य होता है और बड़ा पवित्र होता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है हर कर्मचारी की जिंदगी के अंदर। तो सवाल बड़ा साधारण था कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास लगभग कितना पैसा होना चाहिए जीपीएफ के लिए। तो हमें जानकारी मिली 1232.45 करोड़ रुपया होना चाहिए कर्मचारियों के लिए। उसके आगे हमने पूछा, जो लोग रिटायर हो गए हैं, तो दो लोगों का पैसा हुआ इसके अंदर, एक तो वो लोग जो रिटायर हो गए उनको पैसा देना पड़ता है, एक वो एम्प्लॉई जो इस वक्त करंट एम्प्लॉई है वो हर महीने अपना जो है जीपीएफ जमा करा रहा है ताकि वो जब रिटायर हो तो उसको पैसा मिले। तो पता चला कि जो रिटायर हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक जीपीएफ नहीं दिया गया, और उनका बकाया करीब करीब 38,24,00,000 रुपए तो देनदारी है उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, उनको पैसा देना है, करीब 38 करोड़ रुपए इनको पैसा देना है। और हमने पूछा कि भाई ये 1232 करोड़ में से आपके पास कितना पैसा है अपने अकाउंट में, क्योंकि इसका पैसा तो कहीं और जा नहीं सकता, या तो आप एम्प्लॉय को दोगे या वो उसमें जमा होना चाहिए। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1232 करोड़ की जगह नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस वक्त मात्र 28 करोड़ रुपया उपलब्ध है। तो ये 1200 करोड़ रुपया कहां गया, ये हमारा सवाल है। और जो 38 करोड़ देना है उसके एवज में आपके अकाउंट में मात्र 28 करोड़ रुपए बचे हैं। और एक और हमने सवाल पूछा कि 2014 से लेकर अब तक कितना पैसा जो है इस अकाउंट में जमा किया गया है। तो ये हैरानी की बात है और बड़ी शर्म की बात है, 2014 से लेकर अब तक कोई पैसा इस अकाउंट के अंदर नहीं जा रहा है। तनख्वाहों से पैसा काटा जा रहा है तो जा कहां रहा है। सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर भी, कोई प्राइवेट कंपनी भी जीपीएफ का पैसा जमा नहीं कराएगी तो उसके ऊपर फौजदारी का मुकदमा होता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए जेल है। और एमसीडी के हमारे भाजपा के नेता जो 2014 से जीपीएफ जमा नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली वालों को लूटा, लेंटर पर लूटा, झाड़ू लगाने पर लूटा, कूड़े के पहाड़ों में लूटा, हर जगह लूटा, उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा,
और अपने कर्मचारियों का भी करीब 1200 करोड़ रुपया कहां गया, यह हम सवाल करना चाहते हैं आदेश गुप्ता से, क्योंकि वो आजकल दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और खुद एक काउंसलर हैं, एमसीडी के चुने हुए सदस्य हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। और उत्तरी दिल्ली से आते हैं, उत्तरी दिल्ली से भी आते हैं, मेयर भी रह चुके, उत्तरी दिल्ली में मेयर भी रह चुके हैं, तो उनको सब मालूम होगा। तो हमारी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो बताएं हमें कि ये 1200 करोड़ रुपया कहां गया, और अगर ये गायब हो गया तो अब आप इस पैसे को कहां से लेके आएंगे, क्योंकि कुल मिला के तो ये हम सब दिल्ली वालों का ही पैसा है जो वहां पे जीपीएफ के रूप में जमा होना था और फिर वो मिलना था। और अगर इस पैसे को गायब करके ये चले जाएंगे तो जो भी अब एमसीडी में नई पार्टी आएगी, जिसकी भी सरकार उसमें बनेगी, वो ये पैसा कहां से लेके आएंगे? तो ये बड़ा सीरियस सवाल है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे विकास गोयल जी का कि उन्होंने इतना अहम सवाल जो है एमसीडी से पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। छठ पर जो चल रहा है, केजरीवाल जी ने भी कही है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इजाजत दी जाए, बीजेपी ने काफी मुद्दा बनाया हुआ, उस पर आपका क्या है? देखिए, दुर्गा पूजा भी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। मेरे इलाके में सीआर पार्क आता है, चितंजन पार्क आता है, मैं 2 दिन से वहाँ जा रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइजर जो हैं प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा करा रहे हैं। दशहरा को भी अनुमति दी गई है कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए दशहरा और रामलीला का मंचन जो है वो हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एलजी साहब से हमने पत्र लिख के गुजारिश की है कि छठ पूजा को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो है मनाने की जो है अनुमति दी जाए। और साथ साथ मैं छठ पूजा के समितियों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि परमिशन मिलने के बाद हम लोग कोशिश करें कि कार्यक्रम अच्छे से मने और कोविड प्रोटोकॉल का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो उसको भी ध्यान से जो है हम लोग फॉलो करें। और कोई सवाल? सर, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य कोयले का स्टॉक रखें, अपने आप राज्यों को स्टॉक रखने के लिए कहा गया कोयले का। देखिए, केंद्र सरकार का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। पहले केंद्र की तरफ से ही राज्यों को कहा गया कि अब बिजली कम है। जब राज्यों ने कहा कि कोयले का संकट है तो केंद्र कह रहा नहीं, कोई संकट नहीं है। अब केंद्र कह रहा है कि नहीं, राज्य जो है अपना स्टॉक खुद रखें। ये बिल्कुल वही ऑक्सीजन वाली बात है। पहले आपने कोरोना में ऑक्सीजन के ऊपर आपने अपनी दादागिरी दिखा के कहा कि ऑक्सीजन हम संभालेंगे। फिर आपसे जब राज्यों ने ऑक्सीजन मांगी तो आपने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी। फिर कोर्ट में आप जाके कहते हैं कि ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है। फिर राज्य आपसे मांगते हैं तो आप कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है मगर संकट कोई नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी गुंडागर्दी है, अजीब सा ही कम्युनिकेशन है केंद्र का। संकट भी नहीं है और संकट है भी, मतलब संकट के नाम पे आप हमार को नीचे ना करें क्योंकि संकट है, और संकट के बारे में कहीं लिखा ना जाए मगर संकट को माना जाए कि संकट है। तो मैं खुद जो है बहुत संकट में हूं कि क्या कहें इसको, इनकी क्या बात माने क्या बात नहीं माने, ये खुद तय ही नहीं कर पा रहे अभी तक संकट है या नहीं है। नहीं है तो आप क्यों चिट्ठीबाजी कर रहे हैं राज्यों से? फिर तो कह रहे भाई जैसा चल रहा था वैसा है, सब कुछ मजे में। ये बड़ी हैरानी की बात है। केंद्र सरकार चलाना एक बड़ा गंभीर काम है, जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। है संकट या नहीं है ये बताओ। जी, दिल्ली में तो कोई कोल प्लांट है नहीं, हाँ। लेकिन जो बिजली पैदा होती है वो गैस से होती है, हाँ। तो अच्छा, डिमांड यहाँ की बहुत ज्यादा है, बिजली भी महंगी है, हाँ। तो ऐसे में इन फ्यूचर कुछ देख रहे हैं या सरकार कई बार किसी भी? अब देखिए, अब क्या है, ये बीजेपी वाले जो हैं ये कई दिनों से एक ट्वीट चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं,
कह रहे हैं कि साहब दिल्ली ने कह दिया कि हमारे यहाँ कोयले से बिजली नहीं बनती, हमने तो सारे थर्मल प्लांट बंद कर दिए, और अब आप कह रहे हो कोयले का संकट है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे कि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर जहां तक हो सके या तो थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए जाए या उनको नई टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। दिल्ली सरकार ने फैसला करके अपने कोयले से चलने वाले प्लांट बंद कर दिए, हरियाणा ने नहीं किए, राजस्थान ने नहीं किए, उत्तर प्रदेश ने नहीं किए, और पुरानी टेक्नोलॉजी पे चला के प्रदूषण भी फैला रहे हैं। हम लोग ज्यादातर बाहर के राज्यों से बिजली लेते हैं जो कोयले से चलती हैं, एनटीपीसी वगैरह जो है। तो उन्होंने दिल्ली सरकार को कहा कि हमें जो कोयला मिलता था अब वो नहीं मिल रहा है, उसमें संकट आने वाला है, इसलिए आपकी बिजली कट सकती है, इसलिए हमने इस चीज को उठाया। एक जो बवाना में प्लांट है वो जो है वो गैस से चलता है, मगर उससे जो है बिजली की पूरी आपूर्ति नहीं होती है। तो जो बिजली पहले कम दामों पे मिल रही थी वो महंगों पे भी मिल रही है, ये भी एक संकट है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र जो है इस चीज को हैंडल करेगा, हर चीज जो है राज्य के ऊपर नहीं थोप देगा, मतलब जहां पे काम बनता है वहां केंद्र वाहवाही लूटना चाहता है, जहां थोड़ी भी मैनेजमेंट के अंदर इनको समस्या आती है वो सारा का सारा जो है राज्यों, अब राज्यों पे कह दिया कि आप अपना जो है कोयले का भंडार बना के रखें। बड़ी अजीब बात है, मतलब तो ये हो गया कि जल बोर्ड कह रहा कि पानी नहीं देंगे हमें एक हफ्ते, मगर आप अपना पानी जमा रखें घर में, भाई जब तुम दोगे नहीं तो हम कहां से जमा रखेंगे। ये बड़ी अजीब बात है। यही ऑक्सीजन में किया इन्होंने कि अरे तुम्हारे पास ऑक्सीजन रखने की जगह ही नहीं है, और यही कोयले में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है हेडलाइन मैनेजमेंट का काम जो है केंद्र करता है, पॉलिसी मेकिंग के नाम पे कोई आदमी नहीं है इनके पास। हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इनके पास मैनेजमेंट के लोग हैं कि साहब आप इस चीज को ऐसे मत कहो कि कमी है, आप इसको ऐसे घुमा के कह दो, तो इसके अंदर क्या है कि हेडलाइन ठीक रहेगी बाकी जनता भुगतती रहेगी। ये है इनका पूरा का पूरा। और पूछिए, अब देखिए इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, मगर एनसीआर का जो सिद्धांत है उसको फॉलो अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी कर रहा है, वरना कोई इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा। जब जब प्रदूषण की बात आती है एनजीटी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीआर के शहरों को हिदायत दी जाती है। क्या हिदायतें हैं? जैसे कि भाई डीजल के जनरेटर जो है ना चलें, 24/7 यहाँ पे बिजली रहे, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे इस्तेमाल ना हो, सीएनजी की बसें यहाँ पे चलें ताकि जो है पेट्रोल डीजल की चीज़ें ना चलें, मगर जो है ये फॉलो जो सिर्फ दिल्ली में होती है। तो जो एनसीआर का पूरा कॉन्सेप्ट है अन्य राज्य सरकारों की होने की वजह से जो है वो फेल होता है। मुझे लगता है केंद्र को इसके अंदर थोड़ी सी निगरानी रखनी चाहिए ताकि एनसीआर एज एन एंटिटी डेवलप हो सके और इसके अंदर जो है दिल्ली जैसी सहूलियतें भी हों और दिल्ली जैसे इनका विकास भी हो। और कुछ चीज, भारत सरकार ने डीएसएफ के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया है पंजाब और अन्य जो बॉर्डर स्टेट्स, पंजाब की सरकार ने और वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी इसका विरोध किया है, आम आदमी पार्टी की इस पे क्या स्टैंड है? और देखिए बॉर्डर इश्यूज के अंदर बेसिक जुरिस्डिक्शन केंद्र सरकार का रहता है, मगर देखने में ये आ रहा है चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या चाइना से लगी हुई कोई भी हमारी बॉर्डरिंग स्टेट हो, इनकर्शंस बढ़ रहे हैं। चाइना हर दूसरे दिन हमारी सरकार को और हमारी फौज को आंख दिखा रहा है। यहां तक चाइना आगे बढ़ गया है कि हमारे उपराष्ट्रपति भी अगर अपने देश में घूम रहे हैं तो उनके लिए भी एतराज कर रहा है। ऐसे में केंद्र को अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को जो है एक बार रिव्यू करना चाहिए और सख्ती से जो है इन पड़ोसियों से निपटना चाहिए। ऐसे में जब आपके लिए कश्मीर के अंदर भी हमले बढ़ रहे हैं, इधर चीन से जो है बार बार जो है हमारी इंकर्जेंस हो रही है, ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों के साथ ट्रस्ट जो है बढ़ाना चाहिए। वो ट्रस्ट तब बढ़ सकता है जब आप आपसी बातचीत से, कंसेंसस से कोई फैसला लें।
आपने एक राज्य सरकार की पुलिस का जुरिस्डिक्शन कम करके बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया। अगर इसको बातचीत करके इस पे फैसला लिया जाता तो सब लोग इसका स्वागत करते, सब लोग चाहते हैं देश के अंदर जो है अमन शांति रहे। मगर इस तरीके की जो दादागिरी है, इस तरीके की जो डिक्टेटरशिप है, ये किसी भी पार्टी को, किसी भी राज्य की सरकार को पसंद नहीं आएगी और राज्य के लोगों को भी पसंद नहीं आएगी। तो इनको बातचीत करके काम करना चाहिए, यहाँ डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं चल सकती। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद।